अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम लेक्चर नंबर 14 पे हैं। लेक्चर नंबर 14 का पार्ट ए डिस्कस करेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोविजनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। हर क्लास की तरह इसको भी हम पहले सिलेबस में देखते हैं कि कहाँ पर है। ये हमारे सामने सिलेबस है और हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 कर लिया था। इसका भी 1, 2, 3, 4, 5 पांचवा जो है सूबाई हुकूमत की तंजीम अब हम करने जा रहे हैं। थोड़ा जूम करके इसको देख लेते हैं। बाब चारों में पांचवा टॉपिक सूबाई हुकूमत के बाद हम पढ़ेंगे मकामी हुकूमत के बारे में। और चैप्टर 4 है जिसमें हम मुकन्नाना और इंतज़ामिया के शोबे पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें कानून साजी होती है और एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविजनल असम्बली की हम बात करते हैं पहले। पाकिस्तान में चार सूबे इस्टेब्लिश हैं इस वक्त, जिनमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की भी असेंबलीज हैं और आज़ाद कश्मीर में तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी है। अगर हम प्रोविजनल असेंबलीज की बात करें तो 73 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान चार सूबों पर मुश्तमिल है, जिनको चार इकाई कहा जाता है, यानी प्रोविजनल यूनिट्स। और 18वीं तरमीम के बाद इन चारों सूबों को खुद मुख्तारी दे दी गई है। 18वीं तरमीम हमने पिछले कुछ किसी लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें सूबों को बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस पावर दी गई थी और उनको बहुत ज़्यादा, एक तो NFC अवार्ड हमने बताया था कि NFC अवार्ड जो है वो तमाम सूबों को बराबर की सतह पर पैसे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से इंतजाम हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट पे मुदाखलत नहीं कर सकती, और वो 18वीं तरमीम के ज़रिए ही मिला था। आप लोग को याद होगा जब कोरोना आया था नया 2020 में, मार्च 2020 में जब पाकिस्तान में आया था, वैसे तो दिसंबर 2019 में आ गया था ये दुनिया में, चाइना में। तो सबसे पहले सिंध असम्बली ने सूबे को बंद किया था और उन्होंने उस वक्त 18वीं तरमीम की पावर को ही यूज़ किया था। वफाक ने बाद में फैसला किया, पंजाब ने बाद में फैसला किया। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर आर शेयर्ड बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, यानी मुकन्नना की जो ताकत है वो कुछ फेडरल के हुकूमत के पास है, वफाकी हुकूमत के पास है, और कुछ सूबाई हुकूमत के पास है। विच इज़ जनरली मोर सूटेबल फॉर अ लार्ज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जो बड़े मुल्क होते हैं पाकिस्तान की तरह। हम लोग बड़े मुल्क इस तरह हैं कि एक तो आबादी में भी हम दुनिया में 6ठे नंबर पे आते हैं, दूसरा रकबे के हिसाब से भी पाकिस्तान दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है। तो बड़े मुल्कों को इंतज़ामी तौर पे चलाने के लिए छोटे यूनिट्स बनाए ही जाते हैं और वो उन पर ज़्यादा सूट करते हैं। छोटा मुल्क को अगर कोई लग्जमबर्ग की तरह, स्विट्ज़रलैंड की तरह, या लाइसेंटाइन की तरह, या इन जैसे जो छोटे भूटान है, जैसे मालदीव है जैसे, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट उसको चलाने के लिए काफ़ी है। द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट प्रोवाइडेड इन द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाइफरकेट्स द लेजिस्लेटिव पावर, ऑल मैटर्स अदर देन दोस मेंशन्ड इन द फेडरल लिस्ट फॉल इन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रोविंस। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th शेड्यूल है उसमें उन्होंने बता दिया है कि ये पावर फेडरल गवर्नमेंट की है, उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सूबाई हुकूमत की खुद मुख्तारी में आती हैं। सीट एलोकेशंस की अगर हम बात करें, अच्छा सीट जो है वो हमेशा आबादी के तनासब से दी जाती हैं, ना कि रकबे के तनासब से, क्योंकि अगर रकबे के तनासब से दी जाती तो सबसे ज़्यादा सीट बलूचिस्तान को मिलती, क्योंकि वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। तो इसी तरह और पंजाब की सबसे कम होती, लेकिन यहाँ पे उलट है, क्योंकि पंजाब में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है तो जनरल सीट भी सबसे ज़्यादा उसकी है। पहले हम टोटल सीट की बात करते हैं। सूबाई असम्बली में जो पंजाब है उसकी हैं 371 सीटें, सिंध की 168 है, सेकेंड नंबर पर है, KPK की 124 है, और बलूचिस्तान की 65 सीटें। अब इनमें पंजाब की
371 सीटों में से 297 तो जनरल सीट्स हैं, इसमें कोई भी कम्पीट कर सकता है, मर्द और माइनॉरिटीज़ का बंदा भी। लेकिन 66 सीटें जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है, तो ये बहुत बड़ी तादाद है 66, और 8 सीटें माइनॉरिटीज़ के लिए। और आपने देखा होगा कि पंजाब से यूजली ज़्यादातर सिख और क्रिश्चियन मुंतखब होते हैं, और सिंध से हिंदू बरादरी, क्योंकि सिख और क्रिश्चियन ज़्यादातर पंजाब के रहने वाले हैं, और माइनॉरिटी में जो हिंदू कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिंध में पाई जाती है। इसी तरह केपीके के अंदर भी 3 है। बलूचिस्तान में अगरचे माइनॉरिटीज़ बहुत कम है, लेकिन क्वेटा में एग्जिस्ट करते हैं, क्वेटा में गुरुद्वारा भी मौजूद है। तो पाकिस्तान के हर सूबे में माइनॉरिटी का कोई ना कोई बंदा मौजूद है या एक कम्युनिटी मौजूद है। तो आप इसी तरह सिंध का देख सकते हैं, सिंध में क्योंकि रहते हैं तो सिंध का मालूम होना चाहिए कि 130 जनरल सीट्स हैं, 29 सीटें ख्वातीन के लिए और 9 सीटें जो हैं वो नॉन मुस्लिम के लिए। और ये सीटें मिलती हैं ख्वातीन की और नॉन मुस्लिम की उन्हीं पार्टियों को जो सबसे ज़्यादा सीट जीतती है जनरल इलेक्शन में, या जनरल सीट जिसकी ज़्यादा होती हैं उसी तनासब से उनको सीटें मिलती हैं। द नंबर ऑफ प्रोविजनल सीट्स फॉर के पी हैज़ इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स मर्जर विद फाटा आफ्टर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन मई 2018। This change will take effect after the general election 2018. The new number of seats of KP Assembly given below. अच्छा, ये जो ऊपर वाले टेबल में आपको मैंने सीटें बताई थी, ये उस वक्त से पहले की थी जब फाटा KPK का हिस्सा नहीं बना था। अब चूंकि 25वीं अमेंडमेंट के अंदर आइनी तरमीम जो हुई है 25 मई 2018 में, फाटा जो कि एजेंसीज थी जिसमें वाना, वज़ीरिस्तान, बाजौर, मुख्तलिफ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया थे जो अंग्रेज़ों के दौर में भी अपने कबायली सिस्टम के तहत चलते थे, उनका मर्जर हो चुका है अब KPK में, तो इनकी सीटें बढ़ गई हैं। अब इनकी 99 से 115 यानी 16 सीटें बढ़ गई हैं। ख्वातीन की भी इसी तरह 22 से 26 हो गई हैं, और माइनॉरिटीज़ की भी एक सीट ज़्यादा हो गई है, और टोटल इनकी 124 से 145। स्टिल इनकी सीटें सिंध से कम ही हैं। फंक्शंस ऑफ असेंबलीज, वफाक के होते हुए सूबों की क्या पावर है और उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करते हैं वो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजनल असेंबलीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग, ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। नंबर 1, इलेक्टिंग द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड चीफ मिनिस्टर। जिस तरह कौमी असम्बली का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सेलेक्ट होता है, इसी तरह और वज़ीर आज़म होता है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, यानी अरकानी मेम्बर वोट देते हैं। Acting as an electoral college for the election of the President of Pakistan and Senator of the respective province. इसी तरह जो सदर को वोट पढ़ते हैं उसमें सूबाई अरकान असम्बली हिस्सा लेते हैं, इसी तरह सेनेट में भी सेनेट के जो अरकान होते हैं उसमें कौमी और सूबाई असम्बली दोनों के वोट पढ़ते हैं। The Provisional Assembly is empowered to make laws for the province with respect to criminal law, criminal procedure, evidence and any matter not enumerated in the federal legislative list. क्राइम से मुतालिक जितने भी कानून होते हैं वो सूबाई हुकूमत के अंडर होते हैं, उनकी प्रोसीजर्स, उनको किस तरह करना है, क्योंकि पुलिस जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के मातहत है, तो उन्हीं के काम है कि किस तरह इसको करना है। और वो सब पावर भी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है, यानी जो फेडरेशन के अख्तियार में नहीं आता, वो पावर सूबाई हुकूमतों को दी गई है। It cannot, however, make any law that is repugnant to the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, which is repugnant to any provision of the Constitution, inconsistent with the federal law, violates or contravenes any fundamental rights, or is not in consonance with the principles of policy. So, यहाँ ये कह रहा है कि वो कोई भी ऐसा law नहीं बना सकते, कानून साजी तो करते हैं ये लोग, लेकिन कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकते, जो कि हमारे आइन का भी एक जुज़ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, ताकि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाई जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी लाइक लेजिस्लेटिंग स्पेंडिंग इंक्लूडिंग पासिंग द एनुअल एंड सप्लीमेंट्री बजट ऑफ द प्रोविंस, जिस तरह वफाकी हुकूमत का बजट पास होता है इसी तरह सूबाई हुकूमत का भी बजट पास होता है, वजीर खजाना पेश करता है, उसी
तरह ओवर सींग द गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत जो है वह हुकूमत पर नज़र रखती है। और फाइनली 18वीं तरमीम का जिक्र है जो कि जिसने इनको सबसे ज़्यादा एम्पावर किया, वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द 18th Amendment, प्रोविंसेस आर ग्रांटेड पावर एंड ऑटोनॉमी टू एस्टेब्लिश लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड ट्रांसफर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इट ऑल्सो इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंस। यानी 18वीं तरमीम ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कराने का भी ऐलान कराया, क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली मेयर कराची जो थे वसीम अख्तर साहब की मुद्दत पूरी हुई, अब जो है वो कराची जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे, यानी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची का अहदा आ गया। टर्म्स के अगर इनकी बात करें तो वफाकी हुकूमत की तरह इनकी भी 5 साल की टर्म होती है। और अच्छा, एक चीज़ मैं हम लोग को बताऊं, पाकिस्तान और इंडिया का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और जो सिस्टम है वो टोटल सेम है, यानी कुछ भी फ़र्क नहीं उसमें। सेनेट और अपर हाउस लोअर हाउस वहाँ भी है, और इसी तरह वहाँ पे CM वगैरह होते हैं, गवर्नर होते हैं। आप लोग बाकायदा जो लोग मूवीज़ देखते रहे उनको पता होगा। लेकिन इंडिया में एक फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे जनरल इलेक्शंस जो नेशनल असेंबली पाकिस्तान की, राज्यसभा या जो उसको कहते हैं, उनकी अलहदा होती है, और सूबाई हुकूमत के जो इलेक्शन होते हैं वो बाद में होते हैं, पैरेलल नहीं होते, हमारे यहाँ एक साथ होते हैं। इलेक्टोरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इलेक्टोरल सिस्टम फॉर प्रोविजनल असेंबलीज जनरल सीट इज बेस्ड ऑन सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज इन विच मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय अ डायरेक्ट वोट थ्रू अ सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। सीट, अच्छा ये वो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम के तहत, यानी 2-5-6 कैंडिडेट खड़े हुए, जिसको ज़्यादा वोट पड़ गए तो वो इलेक्ट हो गया। सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स आर फिल्ड थ्रू अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी सिस्टम। मैंने आपको बताया था नॉन मुस्लिम्स और वुमेन की सीट्स उनको मिलती हैं जिनकी असेंबली में तादाद ज़्यादा होती है। एज विद इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली रिजर्व सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स वन। अब लास्ट टॉपिक हमारा लीडरशिप ऑफ द हाउस। After a general election, a provisional assembly in its first meeting elects a speaker and deputy speaker from amongst its member. हमने जब नेशनल असेंबली और सेनेट को डिस्कस कर रहे थे उधर मैंने बताया था कि पहले दिन ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। इसी तरह सूबाई असेंबली में भी पहले दिन ही इलेक्ट किया जाता है। The speaker and their absence, the deputy speaker presided over the session. यानी स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर करता है सेशन। The government and the opposition also have leaders in the provisional assembly and the leader of the house is chief minister and opposite party elects the leader of the opposition. Leader of the house jo hota hai wo CM hota hai aur jo party opposition mein hoti hai yani dusri badi jamaat ya koi coalition party jo badi ho wo leader of opposition elect karti hai. To ye ek general view humne padha hai part A ke andar. पार्ट बी के अंदर हम चारों असेंबलीज़ को अलग अलग डिस्कस कर लेंगे कि ये प्रोविजनल असेंबली ऑफ पंजाब के बारे में कब बनी और क्या इसके जितने भी प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं इसको हम पढ़ लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर क्या है, फिर इसी तरह हम सिंध के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग शख्सियात को भी जिक्र करेंगे, कुछ जो पॉलिटिकली मशहूर शख्सियात रही उसकी हिस्ट्री की बात करेंगे। सिंध की हिस्ट्री आपको पता है अंग्रेज़ों के दौर से मिलती है, 1943 में जब चार्ल्स नेपियर ने फतह किया था, और वो कौन सी जंग थी, मियानी, बैटल ऑफ मियानी, इसमें सिंध जो है वो अंग्रेज़ों का हिस्सा बन गया था। फिर काफ़ी अर्सा सिंध जो है मुंबई के अंदर भी रहा है, मुंबई प्रेजिडेंसी के अंदर, फिर उसको अलग किया गया। और इसी तरह देखें ना, जिस तरह लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो पाकिस्तान बनने से पहले भी इसकी एक असेंबली बनी हुई थी, फर्स्ट असेंबली 37 से 45, फिर 46 से 46, फिर जो पाकिस्तान बनने के बाद की जो पहली असेंबली थी 47 से 51, यानी लियाकत अली खान के पीरियड तक वो थर्ड थी। लेकिन चूंकि हमारी हिस्ट्री कायम पाकिस्तान के बाद से शुरू होती है, तो हम इसी तरह जो स्पीकर थे तो बेसिकली तो दीवान भोज सिंह सक्कर के थे 38 में, लेकिन हम जब जिक्र करते हैं तो हम किसका नाम लेते हैं, अयूब खोड़ो साहब का, सॉरी वो तो CM थे, जो पहला स्पीकर था पाकिस्तान बनने के बाद वो थे सैयद मोहम्मद
सैयद मीरान मोहम्मद शाह। और मीरान मोहम्मद शाह के नाम से एक डैम भी है पाकिस्तान में, आप लोग को पता होगा। मीरान शाह एक इलाका भी है बल्कि, अब मुझे ये नहीं पता कि इन्हीं के नाम पर है, मगर मुमासलत बहुत ज़्यादा है। तो ये दो मैंने आपको दिखाए हैं, इसके अलावा हम गिलगित के बारे में भी पढ़ेंगे और कश्मीर के बारे में भी, ताकि हमें ओवरव्यू पूरे पाकिस्तान का मिले। इसके अलावा हम लोकल गवर्नमेंट्स, क्योंकि अलग टॉपिक है उसको तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिंध असेंबली, जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होती हैं तो असेंबली के पास जो बल्दियात का वज़ीर है उसके पास क्या अख्तियार होते हैं। वज़ीर बल्दियात होते हैं ना, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर, तो उसके हवाले से हम बात कर लेंगे। तो आज का लेक्चर पार्ट ए यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट बी जो है वो हमारा इन डेप्थ होगा तमाम असेंबलीज के बारे में, और हम कोशिश करेंगे कि चारों असेंबलियों को, इंक्लूड गिलगित को और कश्मीर को, कवर करें, ताकि हम प्रोविजनल लेवल पर, और इसके अलावा थोड़ा सा एनएफसी अवार्ड, अगरचे हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन इसके अलावा हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं।